मतदान के लिए अधिसूचना जारी। बस्तर के 12 और राजनांदगांव की 6 सीटों पर 12 नवंबर को होगा मतदान। निर्वाचन में सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर, एक सप्ताह के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश। अवैध तरीके से ले जा रहे 55 लाख नकद और 30 करोड़ रुपए की शराब जब्त। बिलासपुर, मुंगेली और बेमेतरा में हुई कार्रवाई। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के रथ संचलन का समापन, आखिरी दिन भी रथ खींचने उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 12 नवंबर को बस्तर संभाग के 8 जिलों के 12 और राजनांदगांव जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि 18 विधानसभा सीटों के लिए 31,79,520 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अधिसूचना का प्रकाशन आज हो गया है। आज सुबह 11 बजे से जो फर्स्ट फेज के जो पोलिंग जहां पे होने हैं उन 18 विधानसभा सीटों के लिए सरल क्रमांक 73 से 90 बेसिकली बस्तर डिवीजन के 7 जिले और राजनांदगांव जिला इसके लिए प्रकाशित हो गया है और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन कार्यालय में पब्लिक नोटिस के लिए चस्पा भी हो गया है। वेबसाइट पर भी डिस्प्ले हो चुका है 11 बजे, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। शेड्यूल इस प्रकार रहेगा कि 11 से 3 तक नॉमिनेशंस हैं और इसका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 23 तारीख है। स्क्रूटनी जो है, समीक्षा जो है 24 तारीख को है और 26 तारीख लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फॉर नॉमिनेशंस है। इस बीच में आचार संहिता के जो जनरल इश्यूज हैं और जो जनरल प्रावधान है वो लागू रहेंगे। हमारा आग्रह है कि इसका पालन करें। इस चरण में 16,21,839 महिला, 15,57,592 पुरुष तथा 89 तृतीय लिंग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नामांकन 23 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। 24 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 26 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे। नारायणपुर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में चुनाव संपन्न कराने के लिए 60 कंपनियां मंगाई गई हैं। अति संवेदनशील 18 मतदान केंद्रों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। नाम निर्देशन पत्र प्रतिदिन 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक 11 बजे से 3 बजे तक लिए जाएंगे और एक अभ्यर्थी के साथ 4 और अतिरिक्त लोग, कुल मिला के 5 लोग रिटर्निंग अफसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और जितने भी नाम निर्देशन पत्र आएंगे उसकी जांच 24 अक्टूबर को की जाएगी और 26 अक्टूबर को 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। उसके बाद 3 बजे के तुरंत बाद जितने भी अभ्यर्थी शेष बचेंगे उसको चुनाव चिन्ह का वितरण कर दिया जाएगा। इस बार जो भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, न्यायालय में चल रहे या उनको सजा हो चुका है, उसका भी विवरण उनको शपथ पत्र में देना पड़ेगा और वैसे प्रकरणों के बारे में संबंधित अभ्यर्थी पूरे मतदान होते तक, मतलब 12 नवंबर तक 3 बार स्थानीय समाचार पत्रों में अपने खर्चे से प्रकाशित करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसको देगा। ये नया इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जुड़ा हुआ है। श्री वर्मा का कहना है कि जिले में चुनाव संपन्न कराना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी मजबूत लोकतंत्र के लिए पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों के सहयोग से निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण के लिए 12 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों ही चरणों के मतों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। अब तक यहां सुरक्षा बलों की 78 कंपनियां पहुंच चुकी हैं और 350 से ज्यादा कंपनियां पहुंचने वाली हैं। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि बस्तर में चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकारते हुए पुलिस तथा सुरक्षा बल के जवानों को चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जो विधानसभा 2018 का जो चुनाव है, इसको चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो सीएपीएफ की तैनात है और जो स्टेट की पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अतिरिक्त अभी तक 78 कंपनियां बाहर से आ चुकी हैं और भी करीब 350 कंपनी और आने हैं जो कि रास्ते में है और लगातार यहाँ पे पहुँच रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद पहले उनका हम इंडक्शन ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसके बाद ही उनको हम ड्यूटी के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि जवानों को यहां के दुर्गम इलाकों की जानकारी दी गई है, साथ ही माओवादी खतरों से आगाह भी कराया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संभाग के सभी पुलिस अफसरों, थाना प्रभारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन अफसरों द्वारा अपने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है ताकि किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन न हो। ये बस्तर रेंज में जो विधानसभा चुनाव 2018 जो अभी होने वाला है, इसको लेके सुरक्षा के संबंध में व्यापक तैयारियां की गई हैं और इसके लिए हमने सबसे पहले जितने भी थाना प्रभारी हैं, जितने भी जीओज हैं और थाना स्तर पे जितने भी कर्मचारी पदस्थ हैं, सभी को हमने एक रेंज स्तर पे पहले प्रशिक्षण दिया। उसके बाद सभी ने अपने जिला स्तर पे उनको प्रशिक्षण दिया चुनाव की बारीकियों के संबंध में और किस प्रकार से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ जो बस्तर रेंज में सबसे बड़ी जो समस्या है ये जो नक्सल समस्या और यहाँ पे चुनाव कराना एक चैलेंज है। आईजी ने कहा कि पुलिस जवानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति की जानकारी तुरंत अपने अफसरों को बिना किसी संकोच के दें। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर बसव राजू एस ने कहा है कि सुगम मतदान के लिए सेक्टर अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दी जा रही हैं। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों में एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए पीने का पानी, शौचालय, वृद्ध तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप तथा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एक सप्ताह के भीतर अवश्य कर लें। श्री राजू ने कहा कि बाधा रहित मतदान के लिए अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है, इसके लिए कम्युनिकेशन प्लान बनाकर काम करें। इसके अंतर्गत ड्राइवर, सभी पीठासीन अधिकारी व मतदान दलों, मतदान केंद्रों के आसपास पीसीओ, पंचायत सचिव, पटवारी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन नंबर रखें और आवश्यकता अनुसार उनसे संवाद बनाए रखें। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की प्राप्त शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई की जानी है। इसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों के परीक्षण के लिए उड़नदस्ता के अतिरिक्त सेक्टर अधिकारियों को भी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट देना होगा। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। हरियाणा के सतलोक आश्रम के मुखिया और खुद को धर्मगुरु बताने वाले रामपाल को हिसार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा 2014 में हुए 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में दी गई है। मामले में शामिल रामपाल के बेटे विजेंद्र और 13 अन्य को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
मोहला थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के एक हेड कांस्टेबल समेत तीन जवान घायल हो गए। घटना राजाडेरा और रामगढ़ की पहाड़ियों में हुई। एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया कि हमले में आईटीबीपी 44वीं वाहिनी के हेड कांस्टेबल गोयल प्रकाश और दो आरक्षक सचिन कुमार तथा तटवीर तीर सिंह घायल हो गए। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनांदगांव में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजनांदगांव जिले के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि जिले में कुल 11,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां पर 3 राजनीतिक दलों ने आवेदन खरीदा है, जबकि 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राजधानी के मरीन ड्राइव में दिव्यांग बच्चों ने रंगोली बनाकर तथा दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। राजधानी रायपुर में आयोजित मतदान दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसव राजू एस ने वहां उपस्थित लोगों को मतदान करने का संकल्प दिलाया। दिव्यांग बच्चों ने खूबसूरत और सृजनात्मक रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए आकर्षित किया। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने डोंगरगढ़ में साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही छात्र छात्राओं ने बैनर पोस्टर लेकर लोगों से मतदान की अपील भी की। डोंगरगढ़ ब्लॉक के अधिकारियों और लोगों ने 8 मतदान केंद्रों में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 8 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए जांजगीर जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर नीरज बंसोड़ तथा एसपी नीतू कमल की मौजूदगी में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान हाट बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर रुककर चौपाल लगाई गई। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक एकात्म परिसर में हुई, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जन घोषणा पत्र बना रही है। इसके लिए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या तथा उसे दूर करने के सुझाव भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे अंबेडकर अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात की। मतदाताओं में जागरूकता लाने 12 वाहन रथ के रूप में रवाना किए गए। ये रथ दुर्ग जिले के वैशाली नगर, भिलाई नगर तथा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। जिले के कलेक्टर, एसपी और भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। ये रथ लोगों के बीच जाकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में दुर्गोत्सव की धूम है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में बने दुर्गा पंडालों को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। इस दौरान जगराता, जसगीत, सुवा नृत्य और गरबा का आयोजन भी किया जा रहा है। नवरात्र के 7वें दिन भी भक्तों का उत्साह चरम पर रहा और देर रात तक दुर्गा पंडालों में भीड़ देखी जा रही है। आइए अब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध तरीके से ले जा रहे नकदी और शराब पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। बिलासपुर और मुंगेली में लगभग 55 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं बेमेतरा में लगभग 30 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई है। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान स्टैटिक सर्विलेंस टीम द्वारा सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान बोलेरो वाहन से 50 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। काले रंग के बैग में भरे नोटों के बारे में वाहन चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद सिरगिट्टी थाने में रकम जब्ती की कार्रवाई कर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया गया। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ के घुघरी टोला इलाके में एक बाइक सवार युवक से 5,22,000 रुपए जब्त किए गए। बाइक सवार युवक मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर की ओर जा रहा था, तभी चेकिंग प्वाइंट पर तैनात टीम ने बाइक रोक कर युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान यह रकम बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक अब तक हुई 3 अलग अलग कार्रवाई में 9 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पैसों की तरह शराब का भी अवैध परिवहन किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के कार्यसरा गांव में 12,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक गांव में अंगूर की खेती के साथ शराब की फैक्ट्री भी संचालित की जा रही थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर
सागो ब्रांड की शराब जब्त की। इसके एक लीटर शराब की कीमत 2500 रुपए बताई गई है। पुलिस ने शराब जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का रथ संचलन आज समाप्त हो गया। 11 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में रथ खींचने के लिए पहुंचे। मां दंतेश्वरी का छत्र रथ में विराजित करने के बाद सिरहासार से इसका संचलन प्रारंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि राजा पुरुषोत्तम देव को भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार 16 पहियों वाला रथ भेंट किया गया था। इसके साथ ही उन्हें रथपति की उपाधि भी मिली थी। इस विशाल रथ के 4 पहियों को अलग कर बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसे आज गोंचा महापर्व के नाम से जानते हैं। इधर शेष 12 पहियों का रथ बस्तर में करीब 608 साल से दशहरे पर चलाया जा रहा है। अश्विन शुक्ल द्वितीय से लेकर सप्तमी तक लगातार 6 दिनों तक 4 पहियों वाला रथ चलाया जाता है। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी हर साल यहां पहुंचते हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।